अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और बास स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक दो इश्यूज़ हैं जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, वीडियोस भी बिल्कुल छोटी सी है। बहुत से स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं कि उनके जो एडमिशन ऑनलाइन करते हैं तो उस पर रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड करने का एक ऑप्शन आता है, तो उस सिलसिले में बिल्कुल परेशान ना हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होता है, प्राइवेट स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी नहीं होता। तो रेगुलर स्टूडेंट जो है वो उसके ऊपर कॉपी पेस्ट करेंगे अगर वो बाद में कोई प्राइवेट एडमिशन लेते हैं। जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात, स्टूडेंट ने एनओसी के हवाले से भी पूछा है कि एनओसी की ज़रूरत होती है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के एडमिशन के लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा बात, स्टूडेंट कहते हैं फर्स्ट एनुअल 21 में उन्होंने एक एमए किया है, तो क्या अब वो दोबारा एमए करना चाहते हैं? तो चूँकि ये सेकेंड एनुअल भी है और फर्स्ट एनुअल 2022 भी है, तो फर्स्ट एनुअल 2022 में एलिजिबल है, वो किसी और सब्जेक्ट में एमए कर सकते हैं। चौथा सवाल ये पूछ रहे हैं कि पहले किसी और सब्जेक्ट में किया था, फेल एज ए वो गए या छोड़ दिया, अब उसी रजिस्ट्रेशन पे सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, वो सब्जेक्ट चेंज करके किसी और सब्जेक्ट में भी एडमिशन भेज सकते हैं। ये छोटे छोटे इश्यूज थे जो बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। और एक और ये कि इम्तहानात, तो इम्तहानात जो हैं वो सितंबर अक्टूबर तक मुतवक्के हैं, 7 जुलाई अभी एडमिशन भेजने की डेट है। तो ये छोटे छोटे इशूज़ थे जो आपको बताना ज़रूरी थे। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें।